हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस फॉर क्लास फिफ्थ. ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर चैप्टर नंबर फर्स्ट. एंड योर चैप्टर नंबर फर्स्ट इज प्लांट लाइफ, यानी कि पौधों का जीवन. अभी इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सीड जर्मिनेशन, सीड डिस्पर्सल, न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, क्रॉप एंड वेजिटेबल्स और एग्रीकल्चर. चलिए, अब यहाँ पर आपको कुछ ये डायग्राम्स दिए गए. ये कह रहा है मैच द फॉलोइंग फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सीड्स. आपको इन्हें मैच करना है. जैसे ये वन सीड है तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जिनमें वन सीड होता है ओनली. फ्यू सीड है तो कौन सा है जिसमें फ्यू सीड्स होते हैं, और मैनी सीड्स हैं तो कौन सा है जिसमें मैनी सीड्स होते हैं. अभी हम आ गए प्लांट्स के बारे में, तो चलिए प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं. अवर लाइफ डिपेंड्स ऑन नेचर, हमारा जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है. प्लांट्स आर अ मेजर पार्ट ऑफ नेचर, और पौधे भी बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं प्रकृति का. प्लांट्स गिव्स अस फूड, पौधे हमें खाना देते हैं. सेरल्स, पल्सेस, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कम फ्रॉम प्लांट्स. शुगर एंड ऑयल टू आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. तो अनाज, दालें, सब्जियाँ, फल आदि जो हैं, ये सब चीज़ें, यहाँ तक कि चीनी, तेल भी हमें सब कुछ पौधों से मिलता है. प्लांट्स प्रोवाइड अस वुड, फाइबर, रबर, गम, टी एंड कॉफ़ी. और प्लांट्स जो होते हैं उनसे हमें लकड़ी, रेशे, रबड़, गोंद, चाय, कॉफ़ी जैसी चीज़ें भी मिलती हैं. दे सप्लाई अस विद लाइफ गिविंग ऑक्सीजन, ये हमें ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए जो हमारे लिए इतनी ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन भी हमें पौधों से ही मिलती है. दे हेल्प टू रिड्यूस सॉइल एरोजन एंड एयर पोल्यूशन, ये मदद करते हैं रिड्यूस करने में, यानी कि कम करने में मिट्टी के कटाव को और एयर पोल्यूशन यानी कि हवा के प्रदूषण को. लाइफ ऑन द अर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लांट्स, पृथ्वी पर जीवन बिना पौधों के बिल्कुल भी संभव नहीं है. वी नीड टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स सिंस वी डिपेंड ऑन देम, हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएँ जब तक कि हम उन पर डिपेंड हैं. मोर प्लांट्स मीन अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स टू मीट आवर नीड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का मतलब है पौधों से मिलने वाली वो सारी चीज़ें जो भी हमारी ज़रूरत की हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगातार और बहुत वक्त तक हमें मिलें. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में ग्रोथ. व्हाई डज अ प्लांट प्रोड्यूस सो मैनी सीड्स, एक पौधे के अंदर बहुत सारे जो सीड्स यानी बीज होते हैं वो क्यों होते हैं? दे डू सो बिकॉज मोस्ट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बहुत सारे नए जो पौधे हैं वो ग्रो कर सकें उन बीजों के द्वारा. येट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स, लेकिन सारे पौधे, सारे बीज जो हैं वो पौधों में नहीं बदलते. सम सीड्स आर नॉट फुली ग्रोन वेन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट्स, कुछ बीज जो होते हैं वो पूरी तरह से ग्रो नहीं करते जब उन्हें अपने पेरेंट प्लांट से अलग कर दिया जाता है. सम सीड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय स्ट्रॉन्ग वाइंड्स एंड हैवी रेन और आर ईटन बाय इंसेक्ट्स और बर्ड्स, कुछ बीज जो होते हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है तेज़ हवाओं के द्वारा, या बहुत तेज़ बारिश हो जाए तो उससे भी, या फिर जो कीड़े मकौड़े होते हैं या पक्षी होते हैं उनके द्वारा उन्हें खा लिया जाता है. सम डू नॉट गेट द राइट सॉइल और इनफ एयर एंड वाटर, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको सही अमाउंट में पानी और मिट्टी नहीं मिल पाता है, उन्हें ढंग से हवा नहीं मिलती. सच सीड्स डू नॉट ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स, और ऐसे ही इस तरह के जो बीज होते हैं वो नए पौधों में नहीं बदलते. सीड्स दैट सर्वाइव एंड गेट फेवरेबल कंडीशंस फॉर देयर ग्रोथ ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स, और वो बीज जिन्हें जो सर्वाइव कर जाते हैं और जिन्हें अपनी फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, यानी कि ऐसी कंडीशन मिल जाती हैं जो उन्हें चाहिए होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए, वो एक नए प्लांट में ग्रो कर लेते हैं. लेट्स डू एन एक्टिविटी टू सी द पार्ट ऑफ अ सीड, चलो पार्ट ऑफ अ सीड देखने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, यानी कि सीड्स के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं. सोक सम ग्राम सीड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए चनों को पानी में गला दीजिए. टेक वन ऑफ दीज सीड्स, उनमें से एक चना लीजिए. यू विल नोटिस दैट इट हैज़ एन आउटर कवरिंग विच हैज़ स्वेल्ड बिकॉज द सीड वॉज इन वाटर.
तुम देखोगे उनमें जब तुम उठाओगे कि उसके ऊपर में एक कवरिंग थी जो कि धीरे धीरे निकलने सी लगी है क्योंकि वो पानी के अंदर था। दिस आउटर कवरिंग इज द सीट कोट, और यही आउटर जो कवरिंग होती है, जो छिलका होता है उस बीच का, वो सीट कोट कहलाता है। रिमूव द सीट कोट, अब सीट कोट को निकाल दीजिए। यू विल सी टू सीड लीव्स एंड कॉटिलेजन्स। जब आप उसे निकाल देंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर दो बीज आपको नज़र आ रहे हैं, या फिर हम इसे कॉटिलेडन्स भी कह सकते हैं, बीच में से जो वो खुल जाता है चना। सेपरेट दैम एंड यू विल फाइंड अ बेबी प्लांट इनसाइड। उन्हें अलग कीजिए तो आप उसके अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट आपको दिखाई देगा। दिस बेबी प्लांट हैज़ अ टीनी शूट एंड अ टीनी रूट, और इस बेबी प्लांट के पास में एक छोटी छोटी जो फैब्रिक जड़ें होती हैं वो होंगी, या फिर अंदरूनी जड़ें। फूड फॉर द बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन द सीड लीव्स, और बेबी प्लांट के लिए जो खाना होता है वो सीड लीव्स में, यानी कि जो बीज के अंदर लीव्स होती हैं छोटी छोटी, जब बीज से उग रहे होते हैं। देखिए ये देख रहे हैं, ये उगा है तो इसमें हल्की हल्की छोटी छोटी सी इस तरह की लीव्स हैं, तो इस सीड लीव्स में उसका जो खाना होता है वो होता है। एज लॉन्ग एज द बेबी प्लांट डज नॉट ग्रो ग्रीन लीव्स, इट डिपेंड्स ऑन द फूड स्टोर्ड इन द सीड। जब तक इसके ऊपर ग्रीन लीव्स नहीं आ जाती हैं तब तक वो खाने के लिए जो है सीड पर ही डिपेंड रहता है। सीड ऑफ सम प्लांट्स लाइक ग्राम पीज एंड बीन्स हैज टू सीड लीव्स। कुछ ऐसे बीज होते हैं जैसे कि चना, मटर, इनके दो सीड लीव्स होते हैं एंड आर कॉल्ड डाइकॉट सीड, और इसी को हम डाइकॉट सीड बोलते हैं। सीड ऑफ सम प्लांट्स लाइक वीट, मेज एंड राइस हैव वन सीड लीफ एंड आर कॉल्ड मोनोकॉट सीड्स, और कुछ पौधे जिनके सिंगल बीज होते हैं जैसे कि वीट, गेहूँ, मक्का, चावल, इनमें सीड लीव्स होती है एक ही, सो दे आर कॉल्ड मोनोकॉट सीड्स, इसलिए हम इन्हें मोनोकॉट सीड कहते हैं।